सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कारोबार की खबरें। हरे निशान पर कारोबार कर रहा है शेयर बाजार 38,900 के करीब सेंसेक्स। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में सोमवार को मजबूती का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:43 में 39.23 अंकों की मजबूती के साथ 38,806.34 पर रिलायंस जियो ने 2.5 साल में 300 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने अपने परिचालन के 2.5 साल में 300 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलायंस जियो ने सफलता 2 मार्च को ही प्राप्त कर ली थी। जियो ने इस संबंधित ऐलान आईपीएल सीजन के दौरान जारी की एक टीवी विज्ञापन में किया, जिसमें यह दिखाया गया है कि जियो ने 300 मिलियन यूजर्स का उत्सव मना रहा है। जियो ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू करने से 170 दिनों में 100 मिलियन टेलीकॉम ग्राहकों को प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे तेज कंपनी भी बन चुकी है। दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी आय रिपोर्ट में भारतीय एयरटेल खुलासा किया था कि उसके 284 मिलियन ग्राहक थे। लोकसभा चुनाव 2019 मजबूती के साथ खुला शेयर बाजार सेंसेक्स में 23 अंकों में तेजी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में पहले दिन सेंसेक्स ने मजबूती के साथ खुले हैं। आज एशिया बाजार में कमजोरी के बाद भी शेयर मार्केट हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह कारोबार के दौरान सेंसेक्स 23 अंकों की तेजी के साथ 38,608 और निफ्टी 4 अंकों की तेजी में साथ 11,588 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रुपया आज 10 पैसे कमजोर होकर 69.21 रुपए प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन खुलते ही यह 6 पैसे रिकवर होकर 69.15 रुपए के भाव पर पहुंच गया। कंपनी के नतीजे आर्थिक आंकड़ों से तय होंगे इस हफ्ते बाजार की चाल। शेयर बाजार के आने वाले दिनों में चाल बृहद आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के वित्तीय परिणामों से तय होगी। देश के चुनावी माहौल और प्रमुख कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजे पर नजर गड़ाए निवेशक इस समय काफी सावधानी से कदम उठा रहे हैं। ऐसे में कंपनी के नतीजे के अलावा इस सप्ताह जारी होने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों और विदेशी बाजार से मिलने वाले संकेत से ही घरेलू बाजार की चाल तय होगी। औद्योगिक उत्पादन 20 महीने के निचले स्तर पर, महंगाई में भी इजाफा, चुनावी सीजन के बीच इकोनॉमिक के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में महज 0.10% दर्ज किया गया, जो कि 20 माह में सबसे कम है। वहीं खुदरा महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 2.86% रही है। इससे पहले फरवरी महीने में खुदरा महंगाई CPI दर बढ़कर 2.57% थी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए ATM से पैसा निकाल सकते हैं। बैंकों ने इस सुविधा को यूनो कैश का नाम दिया है। बैंक के मुताबिक इस सुविधा का लाभ देश भर के 16,500 ATM पर ले सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में यह सुविधा देने वाला SBI पहला बैंक बन गया है। बैंक ने ATM कार्ड से हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ ऑनलाइन बैंकिंग करने वाले ग्राहकों ही मिलेगा। बैंक ने कहा है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग से अपने खातों को जोड़ना होगा, फिर मोबाइल पर योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।